नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कुबोटा का 4501 है और आज हम आए हुए हैं ननोता, जो कि एजेंसी है देवबंद रोड पर। और वहाँ पर भाइयों शोर शराबा ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा ट्रैक्टर साइड लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो मिलवाते हैं अभी जो एजेंसी के ओनर हैं, नीरज जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी। तो थोड़ा सा इस ट्रैक्टर के बारे में बताओ जी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताना चाहूँगा। ये कुबोटा का MU4501 है जी, और कंपनी इसको यूपी में 2018 में लेके आई थी, हम ही लेके आए थे जो शामली से इसकी शुरुआत करी थी 2018 में हम लोगों ने जी। और अब की ट्रैक्टर में तो आज के टाइम में तो काफ़ी ट्रैक्टर एरिया में हो गए, लेकिन शुरू में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हर किसी को समझाना पड़ा कि ये ट्रैक्टर वहाँ से आया। वहाँ कंपनी की शुरुआत 1890 से ओसाका शहर से हुई थी, जापान से जी। और ऐसा भी नहीं कि कोई नया ट्रैक्टर है, लगभग 125 साल पुराना हो गया, 150 देशों में आज के टाइम पे बिक रहा है। ये ग्लोबल ब्रांड है, ये ग्लोबल ही डिजाइनिंग है इसकी जी, आप देख सकते हो जी। और ट्रैक्टर में बहुत चीज़ें ऐसी है कि जो शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सुराग वगैरह इतने हैं कि कोई भी यंत्र आज से 20-30 साल बाद आता है तो आप उस पर जू के जू ट्रैक्टर पे ज्वाइंट कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा सुराग नहीं कराना पड़ेगा आपको जी जी। तो हम बात, नीरज जी एक मिनट में आपकी बात रोकना चाहूँगा। जैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ चुका है जी, और ट्रैक्टर 45 HP का जैसा आपका है, 45 HP में ट्रैक्टर काफ़ी है बिल्कुल ठीक है, और भी कंपनी के है, तो इसमें ऐसी कुछ क्या खास बात है जो मतलब ये औरों में नहीं है जो जो इसमें है? देखो बहुत सारे फीचर हैं जो 45 नहीं 50 HP के भी ट्रैक्टर नहीं दे रहे अभी जी, जी। तो आप बेसिक फीचर बताओ, मतलब जो किसान भाई आसानी से समझ सके ठीक है, और जो यूजफुल है। मतलब यूजफुल सबसे पहले इसका डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है, कुछ कंपनियां जो होती है सिंगल स्टेयरिंग, किसान तो क्या होता है पावर स्टेयरिंग के पैसे देके चला आता है जी जी, और कंपनी क्या होती है एक पहिए पे पावर स्टेयरिंग दे देती है। कुबोटा ने ये चीज दूर करी है, दोनों पहियों पे पावर स्टेयरिंग दिया है जी जी। तो ये चीज औरों से डिफरेंस करती है। अब तो शायद 40-45 HP में कोई कंपनी डबल एक्टिंग नहीं दे रही जी, और कुछ हो सकता है दे रही हो एक दो जी, तो ये दूसरों से अलग करती है इसको इसकी। और ये भी 5 साल की वारंटी में है स्टेयरिंग, यानी कि पावर स्टेयरिंग दे दिया या जुगाड़ कर दिया जी। पावर स्टेयरिंग है, बहुत सी क्या कंपनियां क्या करती है कि 1.5 लीटर का डिब्बा लटका लेती है, अगर लीकेज आ गई तो गलत 1.5 किलोमीटर नहीं ट्रैक्टर जा पाएगा। ये 44 लीटर तेल पड़ा है अंदर, इसके अंदर है, और उसी से आपका पावर स्टेयरिंग जुड़ा हुआ है जिसकी मोटर यहाँ पे दी हुई है जी जी। ये पंप है इसका पावर स्टेयरिंग का, और यही इसके बैक साइड में ही इसका हाइड्रोलिक पंप है, ये यहीं पे है। दोनों पंप अलग अलग है, दोनों पंप अलग अलग है, यहीं पे दोनों के आगे पीछे है जी। तो ये दोनों को ये चीजें अलग करती है। दूसरी चीज है इसके सस्पेंडल ब्रेक जी। मेरे ख्याल से 5 से 10 साल के बीच का बच्चा हाथ के अंगूठे से ट्रैक्टर का ब्रेक यूज कर सकता है, आप देख सकते हैं उसको जी। तो शायद ट्रैक्टर कोई क्वालिटी का नहीं दे रहा है इस क्वालिटी में जी। ये भी ट्रैक्टर के 5 साल की वारंटी में है, शायद ब्रेकों की वारंटी मुझे नहीं पता कोई कंपनी देती है या नहीं देती है, लेकिन कुबोटा इसकी भी वारंटी 5 साल की देती है। स्टेयरिंग और ब्रेक ये दूसरों से अलग वारंटी है, स्टेयरिंग की भी 5 साल की वारंटी आती है और ब्रेकों की भी आती है, और ये मेरा दावा है कि शायद इतना स्मूथ ब्रेक किसी ट्रैक्टर में नहीं आता जी। दूसरी चीज इसका फ्यूल कंजप्शन जी, इसका इंजन जी, ये सारी चीजें इसको औरों से अलग करती है। इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट है जिसकी वजह से ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन नहीं, बहुत लो वाइब्रेशन है जी। और शायद इतनी अच्छी गाड़ी में भी मिल जाती है इतनी वाइब्रेशन आपको, जितनी हमने ट्रैक्टर के अंदर दी है उतनी वाइब्रेशन आपको अच्छी गाड़ी में भी मिल जाएगी जी। तो उस वाइब्रेशन के बहुत से लोग कह देते हैं हमें क्या फायदा, हो सकता है तो उसकी पीठ दर्द वगैरह कोई है उसको भी स्मूथ, जो आपको अदर ट्रैक्टर 10 घंटे में थकावट होती है कुबोटा को 12-13 चलाने के बाद थकावट होगी। दूसरी चीज अगर ट्रैक्टर में वाइब्रेशन है वो हिलता रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका ढीला हो जाएगा, बोनेट का या कहीं का भी नट बोल्ट ढीला हो सकता है, तो कुबोटा में ये वाली शिकायत नहीं है। बैलेंसिंग साफ, ये दूसरों से अलग है जी। इसकी पीटीओ पावर 41.5 है, 41.5 HP की पीटीओ पावर है जो शायद 45 HP में आपको नहीं मिलेगी किसी भी ट्रैक्टर में। अगर कोई दे रहा हो तो शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, आधा हो सकता किसी ने दी हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि 45 HP में दी होगी जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लगता 41.5 HP की पीटीओ है। सटल शिफ्ट गियर बॉक्स है, गियर है इसका, और सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स है। शायद 45 HP में किसी ट्रैक्टर में सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स नहीं आ सकता, किसी भी स्पीड पर बड़े स्मूथली कोई भी गियर लगा सकते हैं, कोई भी गियर लगा सकते हो। ये चीजें औरों से अलग करती है ट्रैक्टर को जी। दूसरी चीज पूरे ट्रैक्टर की 5 साल की वारंटी है जी, और जिसमें आपका स्टीयरिंग ब्रेक और आपका एक्सल तक इसके कवर्ड है 5 साल तक के लिए। मेरे ख्याल से एक्सल की कोई वारंटी नहीं मिलती आपको जी, तो ये चीजें अलग करती है। फेंडर वगैरह सब कुछ इसके बहुत मजबूत 8 गेज की चादर है, मेरे ख्याल से बाकी ट्रैक्टरों में जो है 13 से 12 गेज की चादरों के आते हैं जी। सिंगल हुड बोनेट है इसका, जो रोजमर्रा की चेक करने की चीजें हैं बिल्कुल फ्रंट पे दी हुई है, आपको कहीं गर्दन नहीं घुसानी, कुछ नहीं घुसाना, सब कुछ सामने है, जो रोज आप चेक करने वाली चीजें हैं बिल्कुल फ्रंट पे आप चेक कर सकते हो बड़े आसानी से, सब कुछ एकदम आसान करके आसान बंद करके बिल्कुल सामने है फ्रंट पे, कोई आपको
पेचकस चाप भी नहीं चाहिए किसी चीज के भी लिए। यही इसके पंप की खासियत बात है, गवर्नर इनलाइन पंप है और माइको का सादा पंप है, जिसे बॉस भी बोलते हैं, माइको भी एक ही कंपनी है, दोनों अलग अलग नहीं है। मेरे ख्याल से अब 50 HP से नीचे किसी कंपनी के ट्रैक्टर में डिफरेंसर लॉक भी नहीं आता। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप समझ सकते हो, शायद 575 आता है उसमें ही खत्म हो गया जी, ये नहीं आता। मेरे छोटे से छोटे 21 HP में हो सकता है किसान की इसको यूज ना पड़े, लेकिन किसी दिन तो जरूरत पड़ सकती है, कहीं दस गया दोनों एक्सल एक करने होंगे तो आप कैसे कर पाओगे, इसके बिना नहीं कर पाओगे। ये कंपनी के छोटे से छोटे ट्रैक्टर में कुबोटा के आता है, 21 HP हो, 24 HP हो, 27 HP हो, ये सभी में आपको मिलेगा जी। और आप ये देखोगे बहुत से ट्रैक्टर होते हैं कि उनके पेट निकले रहते हैं नीचे और एक्सल होता है ऊपर, आप जरा ध्यान से देखिए इसके एक्सल के नीचे सुई की नोक के भर भी ट्रैक्टर का कोई हिस्सा नहीं है। अगर कहीं अटक गया तो आपका एक्सल ही अटकेगा, तो आप ट्रैक्टर को पीछे खींच सकते हो, अगर एक्सल निकल गया तो आंख मीच के रेस दे दीजिए, ट्रैक्टर निकल के जाएगा, कुछ भी नहीं है सुई की नोक के बराबर भी। ये देख लो दोस्तों, एक्सल निकल जाता है और पेट टिक जाता है ट्रैक्टर का जी, ठीक है जी। क्वाड 4 पिस्टन है, इसके नैरो रिंग्स होते हैं जो बहुत देर से घिसाई होते हैं, मोटे रिंग जो होते हैं जल्दी घिस जाते हैं जी, ये चीज़ें उसको करती है। दूसरा बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री और साइलेंट ट्रैक्टर है, इसकी आवाज़ भी आपको बड़ी प्यारी लगेगी, कान नहीं फोड़ता, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, बहुत प्यारी आवाज है ट्रैक्टर की। अभी आपको मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूं, तो ये देख लो दोस्तों कितनी प्यारी आवाज है, और हम ट्रैक्टर के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, कोई ज्यादा साउंड नहीं है। और काफी मेरे भाई ये बोलते हैं कि ये लोहे का पैन है, लोहे का पैन अपने आप स्टेबिलिटी बना लेता है, और दोस्तों ये प्लास्टिक का पैन है, बहुत हल्का पैन है, हाँ, और बहुत ही हल्का पैन है। लो जी रखना, और ये मैं इसके 2000 से 2500 चलो, और देख लो दोस्तों एक्सीलेट करो एक्सीलेट, और ये देख लो दोस्तों इसके गियर बॉक्स से कोई संबंध नहीं है, अलग से गियर दिया हुआ है ट्रैक्टर का। ये 540 RPM सेम RPM पे आपको 750 RPM भी सिर्फ गियर शिफ्ट करते ही मिल जाएगा, 750 RPM। तो दोस्तों कोई हैवी काम हो तो 540 में चला लेना, अगर कोई हल्का काम हो तो इससे डीजल की खपत कम होगी, ठीक है जी। कुछ चीजें अच्छा। और है जो औरों से अलग बनाती है, आप कोई भी 45 से 50 HP का ट्रैक्टर देखोगे तो उसमें 3 पिन क्लच प्लेट मिलेगी, जो कुबोटा के अंदर 4 पिन क्लच प्लेट है जी। और कुछ कंपनियां क्या करती है कि यही आपका पीटीओ का क्लच है और यही आपका गियर बॉक्स का क्लच है, ना ट्रैक्टर में कोई मीटर होता ना चलाने वाले के घुटने में मीटर होता कि मैंने कितना दबाया कितना दबना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, पीटीओ का 45 HP में किसी में भी अलग से भी अभी तक नहीं आ रहा कि 45 PTO में डबल क्लच किसी ने दिया हो, ये अलग से क्लच दे दिया। जब आपको पीटीओ की जरूरत पड़ेगी तभी पीटीओ का क्लच घिसेगा, जब आपको गियर बॉक्स की जरूरत पड़ेगी तब आपका गियर बॉक्स का क्लच घिसेगा। तो दोस्तों बेवजह आपको कोई दोनों क्लच को घिसाने की जरूरत नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट क्लच बोलते हैं, ठीक है। और कुछ खासियत जी, बहुत सारी खासियत है, फिलहाल MRF के टायर दे रही है कंपनी, और यही चीजें 20-22 हज़ार रुपए का अंतर घेर देती है। JK MRF और JK CAT वगैरह जो अपोलो टायर देते हैं उनकी क्वालिटी के मुकाबले MRF की क्वालिटी बढ़िया आती है। आप एक एक चीज देखोगे, ये 38 नंबर के बोल्ट है, शायद मैं ट्रक में भी नहीं मिलेंगे किसी में कुबोटा ट्रैक्टर में जो दे रहा है, ट्रैक्टर की तो छोड़ दीजिए आप, ये तो बात है, ये 38 नंबर का बोल्ट है, ट्रक में भी 36 नंबर या 34 नंबर का बोल्ट आता है, 38 नंबर का बोल्ट कहीं नहीं मिलेगा। और जो ट्रैक्टर में मेरे आगे बोल्ट दिए हैं 12-12 नंबर के, ये लगभग सभी ट्रैक्टरों में ये बोल्ट मिलेंगे आपको पिछले पहियों में भी। और जो मेरा एक्सल है ये दो कुछ है, इतना हैवी एक्सल सिर्फ 50 HP तक के ट्रैक्टर में आप इसके नाप को ले जा सकते हैं, इतने mm का जो है हमारा उतने mm का किसी का नहीं होगा, इतना हैवी एक्सल किसी का कंपनी का नहीं है जितना इसका ये दिया हुआ है। इतनी चौड़ाई 50 HP तक का जिस ट्रैक्टर में चाहो उसके साथ इसका कंपेरिजन कर लो। अब आती है मेन बात फ्यूल कंजप्शन की जी, क्योंकि भाई साहब डीजल 100 रुपये लीटर हो रहा है, सबको सोचना पड़ता है कि भाई डीजल कितना लेगा। मेरा चैलेंज है कि भारत में तो फिलहाल कोई ट्रैक्टर नहीं है जो कुबोटा से कम डीजल लेता हो। जिस मर्जी ट्रैक्टर को आप 40 से लेके 50 HP तक, जिस ट्रैक्टर को 7 फीट के रूटावेटर पे बराबर में चला लो, 20 से 30% का फ्यूल कंजप्शन देता है अदर ट्रैक्टरों के मुकाबले।
किसी भी कंपनी का कोई सा भी ट्रैक्टर होगा, मेरा आज भी चैलेंज है हर कंपनी को, कोई भी कंपनी है इंडिया में कुबोटा से कम डीजल लेने वाली फिलहाल कोई कंपनी नहीं है। जिस भाई को मर्जी आ जाओ, 5 लीटर की कैन यहाँ पे बांध दूंगा दोनों ट्रैक्टर पे, सप्लाई कैन में से दूंगा ट्रैक्टर को और 5 लीटर में देख लेते हैं कौन कितना लीटर चलता है। जी जी। और जिस एम्प्लीमेंट पे मैं कह रहा हूँ 45 से लेके 50 HP तक या 40 से लेके 50 HP तक 7 फीट के रोटावेटर पे ताकत में भी और इसके फ्यूल कंजेशन में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है, न इसके कंफर्टेबल में कोई मुकाबला है। फ्लैट पायदान है। आप मैं देसी भाषा में बोलूं, पलौथी मार के रोटी खा सको बड़े भाई। अच्छा सही कह रहे हैं। एडजस्टेबल सीट है जो बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे पीछे हो जाती है, ये आप देख सकते हो बड़े स्मूथ तरीके से खूब आराम से। शटल शिफ्ट गियर बॉक्स है कि आप एक बार ही गियर बदलना, अगर मैं मान लिया ये इसका हाई लो और रिवर्स ये तीनों एक जगह है, मान के चलिए मैं लो के तीसरे में आगे जंदरा खींच रहा हूँ तो मुझे ये गियर बदलने की जरूरत नहीं, इसी गियर से बैक मारूंगा वही स्पीड आगे रहेगी वही स्पीड पीछे रहेगी, सेम जो 4 स्पीड आगे हैं वही 4 स्पीड सेम की सेम पीछे दी हुई है ट्रैक्टर में। तो बहुत सारी खूबियां हैं जो दूसरों से अलग करती है, लेकिन लगभग ये चीज है 5 साल की वारंटी में है ट्रैक्टर पूरा। जी 5000 घंटे या 5 साल पूरी वारंटी में है ट्रैक्टर। तो इसमें इस 5 साल की जो वारंटी है इसमें क्या क्या चीज कवर होती है? देखो इंजन गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक ये तो सभी लोग देते हैं जी, लेकिन मैं इसके साथ एडजस्टेबल जो अलग से वारंटी दे रही है कंपनी, स्टेयरिंग की दे रही है, ब्रेक की दे रही है और चारों एक्सलों की दे रही है। ये वारंटी शायद 5 साल की कोई कवर नहीं करता, स्टेयरिंग की देता हो कोई अगर दे रहा होगा तो 1.5 साल की कोई देता होगा, 2 साल की देता होगा, 5 साल 5000 घंटे किसी स्टेयरिंग की या ब्रेक की वारंटी नहीं मिल रही किसी ट्रैक्टर पे। कुबोटा की एक खास बात है, कुबोटा के जितने मॉडल 2 व्हील ड्राइव आते हैं उतने ही मॉडल इसके 4 व्हील ड्राइव भी आते हैं जी। और बेवलर गियर होता है इसका कि मान लीजिए एक टाइड से ट्रैक्टर का पहिया पत्थर पे चढ़ गया जी, तो ट्रैक्टर नहीं तिरछा होगा वो पहिया अपने से बेवल गियर बोलते हैं कि एक्सल ही ऊपर नीचे होगा ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा रहेगा आपका जी, उसे बेवल गियर बोलते हैं। वो वाली सुविधा अभी तक कुबोटा ने ही दी है इंडिया में, शायद बेवल गियर 4 व्हील ड्राइव में किसी ने नहीं दिया है। और बहुत से लोग बोल देते हैं भाई स्पेयर पार्ट्स मिलेगा नहीं मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो मेरे ख्याल से शामली से हमने दिए हुए अभी लगभग हमने 200 से ज़्यादा अभी 4501 दे लिया, और आप चाहो मैं नाम और नंबर उनके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, देख सकते हो किसी कस्टमर से बात कर लो आज तो किसी में स्पेयर पार्ट्स की जरूरत नहीं चली। ट्रैक्टर मेरे 5000 घंटे चला हुआ तो कोई नज़र में मेरी आने की 5000 घंटे चल दिया हो कोई ट्रैक्टर, लेकिन 2500-3000 घंटे तक चल दिया किसी में सर्विस के अलावा आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं आया जी। ये ट्रैक्टर कुछ कामों में सिंगल सिलेंडर जितना ही डीजल लेता है जी। और आज के टाइम पे भाई साहब 100 रुपये लीटर है डीजल, सबसे बड़ी बात है अगर किसी भी ट्रैक्टर के मुकाबले 7 फीट रूटर खींचने वाले के, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 लीटर का भी अंतर देता है, और साल में किसान भी 150 घंटे चला देता है उसको 150 लीटर तेल बच गया, अगर कोई आदमी किराया कर देता है तो 1400 से 1500 घंटे चलाता है तो 1500 लीटर डीजल बचा के देगा बड़े भाई। 1500 लीटर का मतलब ये है कि ड्राइवर भी रख सकते हो आप ट्रैक्टर पे, और 1500 लीटर के बदले में आप अपनी अगर ट्रैक्टर फाइनेंस है तो वो किस्तें भी दे सकते हो। 1500 लीटर कितने का बैठेगा? मेरे ख्याल से 1.5 लाख का मोस्टली बैठ जाएगा डीजल, तो 1.5 लाख तो मिनिमम मान के चलिए, लेकिन मैं मानता हूँ 7 फीट का रोटर वेटर खींचने वाले ट्रैक्टर से 2 से 2.5 लीटर का डिफरेंस ट्रैक्टर देगा ही देगा डीजल का। 7 फुट का रोटर वेटर आराम से खींच लेगा? मैं कह रहा हूँ जिस 7 फीट के रोटर वेटर पे आप 40 से लेके 70 हॉर्स पावर तक जितना मर्जी जो मर्जी ट्रैक्टर के साथ चला लो, ट्रैक्टर की चाल टायरों की वजह से कम हो सकती है दूसरों के मुकाबले बड़े ट्रैक्टरों की, लेकिन छोटा ट्रैक्टर खिंचाई में लोड में नहीं पड़ेगा 7 फीट के रोटर में, क्योंकि रोटर तो 70 चला लो या 80 पे चला लो रोटर तो 7 ही फीट का है, तो जो चाल में फर्क टायरों की वजह से आ सकता है, बाकी 7 फीट के रोटर वेटर पे किसी से छोटा नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं जी कि जैसा मतलब इसके ज्यादा चक्कर है इंजन के, तो ज्यादा चक्कर होने की वजह से घिसावट ज्यादा होगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। किस चीज की? इंजन की। अभी ये मेरे पास में टिकरोल गांव है, 3500 ट्रैक्टर उसने वारंटी पूरी करके नया ट्रैक्टर ले आया, और 3500 घंटे में अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो आगे क्या आएगी, और मेरे ख्याल से उसने 18 में मेरे से लिया था और 21 में नया दूसरा ट्रैक्टर लेके आ गया, अगर 3500 घंटे में ट्रैक्टर में कोई घिसावट नहीं हुई, नहीं और हो भी जाती है तो मैं 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ। इंजन तो बहुत बड़ी चीज है, मैं एक्सल तक की और 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ, ये 5 साल की सुपर वारंटी है ट्रैक्टर के साथ। अगर 5 साल और 5000 घंटे से पहले कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बदल के देगी पार्ट्स, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये जब तक 5 साल में है ट्रैक्टर तो तब तक कंपनी इसका पूरा केयर। कितने सीसी का इंजन है जिसका? इसका 2434 सीसी का इंजन है। अच्छा अच्छा। और बहुत से लोग कहते हैं बहुत कम सीसी का इंजन है, बाकी के तो बड़े हैवी है, मैं कह रहा हूँ ये 2434 सीसी का है, आपको इंजन छोटा नहीं पड़ेगा, बड़ा इंजन है। जैसे मतलब जॉन डियर की भी 1 ही सीसी होती है लगभग सारे ट्रैक्टरों की, ऐसे मतलब इसकी और आपके 55 HP का है जो सेम सीसी के इंजन है दोनों के दोनों। ये नड़ौता में मेरी एजेंसी है देवबंद रोड पे, और ब्लॉक से जस्ट 100 मीटर पहले है जो ब्लॉक पड़ता है नड़ौता का, उससे जस्ट 100 मीटर पहले ये कुबोटा एजेंसी पड़ती है। तो दोस्तों
ननोता जिला सहारनपुर में एजेंसी है ये, जिस भाई को चाहिए तो संपर्क कर ले। तो यही था दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।